अपना विश्वसनीय न्यूज चैनल राष्ट्रीय नवाचार की जोशी जी ईमानदारी के साथ साथ बागली की ईमानदारी भी पहचानी जाती है। यहाँ के अधिकारी भी ईमानदार थे, यहाँ के कार्यकर्ता भी ईमानदार थे, यहाँ राजनीति की भी ईमानदारी। यहाँ चुनाव लड़े गए एक मन से, चाहे छतर सिंह जी ईरानी का, छतर सिंह जी का चुनाव, ईरानी जी का चुनाव, काशी भाई जी का चुनाव, एक मंच से सभाएं हुई इस बागली में। इतना भाईचारा यहाँ पे रहा। मैं कहीं के नाम लू, स्वर्गीय श्री मदनलाल जी भास्कर, भागीरथ जी गुप्ता पीछे रहते थे, बड़ोला जी, क्या ये सबके सब करोड़पति हो गए? क्या ये सबके सब जंगली गाड़ियों में घूम रहे हैं? इन्होंने बड़े बड़े मकान बना दिए। लेकिन आज का भाजपा का कार्यकर्ता कर्नावत का वो राम सोनी जिसके पास साइकिल नहीं थी, एसी वालों फांसी दल में घूमता है, एसी वालों फांसी दल में घूमता है और फार्चुनर एंडिवर गिफ्ट करता है भाजपा के नेताओं को। क्या बागली की जनता इसको बर्दाश्त करेगी? क्या बागली की जनता इस चीज को बर्दाश्त करेगी? मैं बागली की जनता से पूछना चाहता हूँ।